वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सिंपली बाय विद जयश्री। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं करने जा रही हूँ एक रिव्यू, जो कि एक फेशियल किट का है। मेरे पास अभी आया है VLCC का नेचुरल साइंसेस पार्टी ग्लो फेशियल किट, और इसका मैं आपको बताऊंगी रिव्यू। इसमें जो है टोटल 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 जो है क्लिंजर है प्लस टोनर है, जो कि डीपली क्लिंज योर स्किन, मिनिमाइजेस द पोर एंड मेक योर स्किन रेडी फॉर फेशियल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप से, जो कि क्लिंजर एंड टोनर। तो लेट मी सी फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है इस टाइप के पाउचेस में है ये स्टेप नंबर 1, और जो है प्री फेशियल कॉम्फ्री क्लिंजर विद टोनर विद एलोवेरा। तो जो इसमें जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि अप्लाई VLCC कॉम्फ्री क्लिंजर कम टोनर ऑन फेस एंड नेक, मसाज इन सर्कुलर मोशन फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड वाइप ऑफ विद मॉइस्ट कॉटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेप नंबर 1। वैसे क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, आप 2 बार के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 लोग भी फेशियल कर सकते हैं और नेक पर भी। और इसे हम मसाज करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। कॉटन लिया है, थोड़ा सा मॉइस्ट कॉटन लिया है। पीछे भी तो मेरा फेस देखिए काफी क्लीन हो चुका है। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे। इसमें ये बहुत अच्छा है कि इसमें जो भी स्टेप्स हैं उसके नंबर उसमें डले हुए हैं पाउचेस के ऊपर। तो स्टेप नंबर 2 ये है पार्टी ग्लो फेशियल विद डेट एक्सट्रैक्ट एंड पपाया सीड। तो ये जो है इंडियन बर्बेरी स्क्रब है, तो स्क्रबिंग कर लेते हैं हम लोग। पहले मैं अच्छी तरीके से फेस पे लगा लूंगी। इस तरीके से मसाज कर लूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। और आप चाहें तो अपने उंगलियों पे थोड़ा सा पानी लेके भी इसको मसाज कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मालिश कर लीजिए। तो मैंने अपना फेस जो है पानी से वॉश कर लिया है, देखिए अभी मैंने पोंछा भी नहीं है पानी को, काफ़ी अच्छे से स्क्रबिंग हो गई है। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है हमारा मसाज जेल है ये स्टेप नंबर 3, जिसमें हमको करना है, डायरेक्शन दिया हुआ है अप्लाई ऑन क्लीन स्किन एंड मसाज जेंटली इन अपवर्ड एंड सर्कुलर स्ट्रोक्स विद वेट फिंगर टिप्स फॉर 8 to 10 मिनट्स, वाइप ऑफ विद मॉइस्ट कॉटन। तो स्टेप नंबर 3 है ये,
और अगर आपके जो है इसके साथ इसके पहले अगर आप चाहें तो स्टीम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्टीम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे जो पोर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, वो फिर और इंक्रीज़ हो जाएगा उनका साइज़, इसलिए मैं स्टीम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, और मैं यहाँ पर स्टीम को जो है स्किप कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेप नंबर 3। तो ये है जेल, इसको मैं फेस पे पूरे में अप्लाई कर लूंगी। काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे। कभी भी आप कोई भी क्रीम या कुछ भी फेस पैक या कुछ भी फेशियल, कुछ जो भी आप कर रहे हैं अपने फेस पे अप्लाई, उसको नेक पे ज़रूर अप्लाई करें। ये मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है फेस एंड नेक पे। अब चलिए इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कर लेते हैं इस तरीके से। छोटे छोटे सर्कुलर मोशंस में हम फोरहेड पे करेंगे और अपने चीक्स पे और चिन पे। और नेक पे करीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमको इसको मसाज करनी है। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने मेरा जो जेल था पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया स्किन में, और अब मैं इसे मॉइस्ट कॉटन से वाइप कर दूंगी। तो पूरा जेल जो है वाइप ऑफ हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने फेशियल के स्टेप नंबर 4 में, जो कि है फेस क्रीम विद लिकरस एंड वाइल्ड टर्मरिक। इसका जो डायरेक्शन है, अप्लाई जेनरसली ऑन क्लीन स्किन एंड मसाज जेंटली इन सर्कुलर एंड अपवर्ड स्ट्रोक्स फॉर टैनर्स वाइप ऑफ विद मॉइस्ट कॉटन। तो इसे भी अप्लाई कर लेते हैं स्टेप नंबर 4। इसे अच्छी तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे।
ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे मसाज देंगी। करीबन 8 मिनट हो चुके हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से मालिश कर ली है, पूरी क्रीम जो है अब्सॉर्ब हो गई है फेस पे। तो चलिए अब इस क्रीम को हम वाइप कर लेते हैं। मैंने अच्छी तरीके से वाइप कर लिया है और अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 में, जो कि है हमारा फेस पैक, इंस्टाग्लो फेस पैक है ये। और इसके डायरेक्शन क्या है, अप्लाई जेनरस लेयर ऑन फेस एंड नेक, अवॉइड आई एरिया, लीव इट ऑन फॉर 20 मिनट्स एंड वाइप विथ मॉइस्ट कॉटन और रिंस ऑफ। तो चलिए पैक लगा लेते हैं। और इसे मैं करीबन 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी और पानी से इसको वॉश कर लेंगे। इस मिनट हो चुके हैं और मेरा जो फेस पैक है काफ़ी अच्छे तरीके से सूख गया है, अब मैं इसे पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने अपने फेस को पानी से वॉश कर लिया है, अब इसे टॉवल से ड्राई कर लूंगी। अब हम आ जाते हैं अपने फेशियल के लास्ट स्टेप पे, जो कि है स्टेप नंबर 6। ये इस तरीके से आता है ट्यूब में और इसमें लिखा हुआ है पोस्ट फेशियल। डायरेक्शन है इसका, अप्लाई इवनली ऑन द फेस एंड नेक पोस्ट फेशियल। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसे हम अपने फेस और नेक पे लगा लेंगे। तो देखिए मैंने पोस्ट फेशियल क्रीम जो है पूरी अपने फेस पे अप्लाई कर ली है। तो इस तरीके से ये फेशियल जो है कंप्लीट हो गया है और इसका जो ग्लो है वो करीबन 1 से 2 दिन के बाद आता है। तो अब बारी आती है प्रोडक्ट रिव्यू की। तो ये जो VLCC का नेचुरल साइंसेस पार्टी ग्लो फेशियल किट है फॉर इंस्टेंट ग्लो फॉर दैट स्पेशल ओकेजन गेट द पार्लर लाइक ग्लो। तो इसका जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आप देख ही सकते हैं इसकी पैकिंग कितनी बढ़िया है। और जो इसमें लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, फोकस नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर जो है उसका मैन्युफैक्चर्ड बाय ये सब लिखा हुआ है। साथ में ये जो इसके पाउचेस जो आते हैं 5 स्टेप्स में है ये, और 6th जो लास्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र। काफ़ी अच्छा है और इसकी जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी ही अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आप चाहें तो 2 लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे 2 बार में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी, 10 ml की थी
और जो स्टेप्स वगैरह थे, स्टेप वन क्लींजर टोनर काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे से जो है स्किन को क्लीन कर दिया, टोन कर दिया, स्क्रबिंग बहुत अच्छे से हुई थी। और जो जेल था उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी थी स्टेप नंबर 3 में, और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया और हाइड्रेट किया मेरी स्किन को। साथ में जो स्टेप नंबर 5 जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रीम काफ़ी अच्छी थी, थिक थी और काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए स्किन में। और जो स्टेप नंबर 5 था, पैक काफ़ी अच्छा था, थिक था और बहुत अच्छे से ग्लो लाया है। इसके बाद जो मॉइस्चराइज़र था वो काफ़ी अच्छा था, जो कि हार्मफुल UVA UVB रेस से हमको प्रोटेक्ट करता है विद द SPF 15, विद द PH+ प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल UVA एंड UVB रेज। अब बारी आती है इसके क्वांटिटी पे, तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी, आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं 10 10 10 ग्राम्स की थी सभी जो पाउचेस थे, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी, आप इसको यूज़ करें। और अब इसके प्राइस पे आ जाते हैं हम, तो ये है सिर्फ 250 रुपीज़ का, जो कि जो इसकी क्वालिटी और उसका जो अमाउंट है फेशियल का, उसको देखते हुए काफ़ी वर्थ है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि विदाउट गोइंग टू एक्सपेंसिव पार्लर्स, और टाइम वेस्ट भी होता है और काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं, तो ये फेशियल किट एक बार ज़रूर आपको यूज़ करके देखना चाहिए। काफ़ी अच्छा ग्लो आया। तो ये था मेरा आज का प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ VLCC पार्टी ग्लो फेशियल किट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरीके के और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो टिल देन, टिल द न्यू वीडियो, आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज सिंप्लीफाई विद जयश्री। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।